मेरा पहला सवाल वही जो शायद आज देश के हर व्यक्ति के मन में सवाल है, बॉर्डर पर किसान कब थमेगा घमासान? तोमर जी, कब खत्म होगा ये? क्या आपने कहा है कि कृषि बिल वापस नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं इससे कम में मानेंगे नहीं, आपके जो लिखित प्रस्ताव थे उनको भी ठुकरा दिया है, ये घमासान कब अंत होता हुआ देख रहे हैं आप? अंजना जी, किसान आंदोलन हो रहा है, सभी लोगों की चिंता का विषय है और सरकार भी इस आंदोलन को गंभीरता से ले रही है और इसलिए सरकार ने अनेक चरणों में वार्ता की है, विषयवार वार्ता की है और इस बात की कोशिश की है कि वो समाधान हो जाए। जब समाधान पर किसान नहीं आ पाए तो सरकार ने खुद ब खुद उनके तमाम सारे वक्तव्य को संजोकर और उसमें से जो निचोड़ उनकी परेशानी के रूप में दिखाई देता है उसका समाधान कैसे होगा, इसका एक लिखित प्रस्ताव भी किसान यूनियन के पास भेजा है। यद्यपि मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिलती रहती है कि वो उस प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह आशावान हूँ और मैंने किसानों को परसों भी कहा, कल भी कहा कि जो प्रस्ताव हमने दिया है उस प्रस्ताव को आप वार्ता के लिए आइए और उस प्रस्ताव में क्या खामी है, क्या आप और जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मैंने उनको यह भी कहा है कि ठंड का मौसम है, कोविड का संकट है, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना ऐसे समय पर उचित नहीं है। आंदोलन जब चलता है तो अनेक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है, उसका भी ध्यान हम सब लोगों को रखना चाहिए। दिल्ली के नागरिक भी आंदोलन के कारण परेशान हो रहे हैं और इसलिए मुझे पूरी आशा है कि किसान वार्ता के लिए आएंगे और इन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और आने वाले कल में ज़रूर हम लोग मिलकर बातचीत के माध्यम से समाधान तक पहुंचेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तीन भय हैं उनके। पहला भय यही है MSP को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसमें आपने अपने लिखित प्रस्ताव में क्या भेजा है? उनका कहना है कि ये कानून का हिस्सा बने तभी वो इस पर मानेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे बड़ी जो उनकी मांग है, इस पर आप ऐसा क्या कन्विंसिंग उन्हें कह सकते हैं कि वो आपकी बात माने? जी, MSP का विषय निश्चित रूप से सभी के लिए और सभी किसानों के मन में रहता ही है और स्वाभाविक भी है। जब नए कानून आ रहे थे उस समय भी MSP का विषय विद्यमान था और एक्ट को पारित कराते समय लोकसभा और राज्यसभा में फ्लोर पर मैंने देश के किसानों को आश्वस्त किया कि MSP चल रही थी, MSP चल रही है और MSP आगे भी चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किसानों को आश्वस्त किया MSP के बारे में किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद ही MSP को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय किया गया और आज MSP के रेट जो है प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, उसका फायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के समय MSP की न सिर्फ दर बढ़ाई गई वरना खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया। UPA सरकार के अगर 10 वर्ष के रिकॉर्ड को देखें और मोदी जी के 6 वर्ष के रिकॉर्ड को हम देखें तो खरीद दुगने से भी अधिक हुई है और लगातार सरकार की यह कोशिश है कि MSP को और हम परिमार्जित करते रहें। पहले गेहूं और धान की ही खरीद MSP पर होती थी, अब दलहन और तेलहन की खरीद भी MSP पर की जा रही है जिससे जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर MSP के बारे में किसी प्रकार की शंका कुशंका या कोई भी उहापोह सरकार के मन में होती तो क्यों MSP की दर बढ़ाने का काम मोदी जी करते, क्यों MSP पर खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाते, क्यों और फसलों को MSP पर खरीदना स्वीकार करते। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आश्वस्ति के बाद किसी देश के किसान के मन में शंका नहीं होनी चाहिए। जब इस आंदोलन के दौरान भी किसान यूनियन से बातचीत हुई
तब भी हमने उनको कहा कि अगर आपको लगता है तो किसान यूनियन को भी, राज्य की सरकारों को भी भारत सरकार लिखकर दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।